अम्मी आ जाएं जल्दी, रोजा खुल गया है। अरे बेटा मेरे आखिरी के पकौड़े रह गए मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ, परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ, अभी रुक जाओ, देख रहे हो कितना सामान फैला हुआ है, सब समेटना भी होता है। अरे अम्मी अब तो आ जाएं, इशा की नमाज भी हो गई। अरे बेटा मैं आ रही हूँ, परेशान क्यों हो रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया, तुम्हें पता नहीं है कितनी परेशानी हो जाती है। जा मेरा बच्चा, अभी तू जाने आ रही। अरे अम्मी अब तो आ जाएं, अब तो सहरी का टाइम भी हो गया है। अरे बेटा मैं वही तो बना रही हूँ। मैं आज तुम्हें ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जिससे तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। हाँ अम्मी ये बता दें, मुझे भूख बहुत लगती है यार, रोजे में भूख से बचने के लिए कोई टोटका बता दें। उजड़ी होती है ना उजड़ी, वो बाजार से लाओ, अच्छी तरह पकाओ, घी डाल के, मिर्चे डाल के, और उसको चपाती से, तंदूर की रोटी से नहीं, चपाती से खाना, तो तुम्हें दिन में कभी भी भूख नहीं लगेगी। इतना बेहतरीन रोजा गुजरेगा तुम सोच भी नहीं सकते। बेटा मुनीब, अरे मेरे बच्चे सहरी का टाइम हो गया है, उठ जाओ जल्दी। अब मैं पंखा बंद करती हूँ ताकि तुझे पता तो चले, फिर मैं देखती हूँ कैसे नहीं उठता। नाइस। भाई मैं नहीं उठ रहा यार, जो करना है कर लो, पंखा बंद कर दिया, अजीब। माज, अरे बेटा माज। जी अम्मा। ये बताओ तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं इस वक्त? अब्बा ऑफिस गए हुए। ऑफिस में? अरे उनसे कहना जब वापसी में आ रहे हो ना तो फल वगैरह लेकर आ जाए। चले ठीक है, मैं कॉल पे बोल देता हूँ। अच्छा सुनो, कहाँ जा रहे हो, बात तो सुन लिया करो, पूरी बात नहीं सुनते तुम। जी जी बोले। दही है घर में? दही मैं चेक कर लेता हूँ फ्रिज में। देख लो जरा फ्रिज में दही वगैरह अगर ना हो तो लेकर आ जाना, ठीक है बेटा? अच्छा सुन, बात सुन। अरे तू इतना, तुझे इतनी कहे की जल्दी है, कहाँ जाना है, किधर भागना है तुझे? अरे अम्मी सारा काम मुझसे कराएंगे क्या? हाँ तुझसे ही कराऊंगी, इसलिए कि रोजे भी तू ही नहीं रखता, सारा दिन ऐसे घूमता रहता है, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, है इसके अलावा तुझे कोई काम नहीं है। अच्छा दा दफा हो। अच्छा सुन, अरे बात तो सुनना। मैं नहीं सुन रहा अम्मी, बहुत काम करा लिया आपने। अरे बात तो सुन ले। मैं ना कल से पूरे रोजे रखूंगा, बल्कि अगले रमजान के भी 30 रोजे इसी रमजान में रख लूंगा। बहुत काम कराती रहती है, रोजा नहीं रखा तो। अच्छा जी बेटा, मैं आज आपको एक ऐसी टोटका बताने वाली हूँ कि अगर आप वो टोटका कर लेंगे तो सारी जिंदगी प्यास नहीं लगेगी। उसका तरीका ये है कि आप गधे की दुम को ले और उस पर मक्खन लगाएं अच्छी तरह से चारों तरफ, और इस तरह से इसको चाट लीजिए, आपको सारी जिंदगी प्यास नहीं लगेगी। समझ रहे हैं आप, क्या मजा आएगा। अरे अम्मा सामने वालों कैसे अफ्तारी आई है देखें। अरे देखूं तो सही कितनी आई है, ठीक है। अरे अम्मा इसे बर्तन दे, वो इंतजार कर रहे हैं बाहर। अरे देख बेटा ये हमारी परंपरा है, हम कभी भी अपना बर्तन खाली नहीं जाने देते, और वैसे भी पहला रोजा है, ख्याल करना चाहिए ना। हाँ अरे अम्मा क्या है, दो पकौड़े और डालेंगे इसमें। अरे तू चुप रहे, फ्रूट चाट तो एक चम्मच और डाले। इतना सा डाल रहा है तू, पागल तो नहीं है, काम मैं कर रही है तू कर रही है। अरे अम्मा दही पड़े भी और डाले, इतना सा दही पड़े। ओ माय गॉड, एक बात बता, उनके ऐसे कितनी इफ्तारी आई थी हैं? दो पकौड़े मैं दो ही डालूंगी, आधा केला आया था आधा ही केला डालूंगी, और वो जो चाट को कह रहा ना भर दूं, पूरा घर ना दे दूं मैं उनको, हैं कुछ नहीं डालूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा डालूंगी, जितना उन्होंने भेजा उतना ही भेजूंगी, पागल कहीं का बेवकूफ। वैसे एक बात बता, ये आई कहाँ से? ये सामने मुनीब कहाँ से और कहाँ से? मुनीब कहाँ से आई है? वो मुनीबा कहाँ से तो नहीं आई, ऊपर वाली। बस मैं सब समझती हूँ वगैरह, ये ले लेके जा, चल दफा हो यहाँ से, लड़कियों से चक्कर चलाता है कम वक्त। हाँ मैं क्या कह रही थी, हाँ गन्ना। गन्ना? गन्ने के साथ भी कोई टोटका है क्या अम्मी? अरे तू पागल हो गया है, हर किसी चीज का टोटका थोड़ी होता है, जा जल्दी से गन्ना लेकर आ, इफ्तारी में उसका जूस बनाना है, शरबत लाना है, अभी लाता हूं, लाता हूं। और गधा? अच्छा गधा नहीं लाना। अरे कमबख्त अभी तक नहीं उठा, अरे 5 मिनट रह गए, भौंपो बच जाएगा ना, फिर रह जाएगा तेरा रोजा। अरे भाई अम्मा क्या हो गया, 5 मिनट रह गए, 2 घंटे हैं अभी सहरी में, सब पता है मुझे आपकी मक्कारियां।
मैं नहीं उठ रहा भाई, जल्दी अभी मैं तुझे बताती हूँ, उठ। नहीं समझ में नहीं आता, क्यों नहीं समझ में आती तेरे, उठ जल्दी। अरे जल्दी उठ, उठ 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 जल्दी जल्दी उठ जल्दी उठ, उठता नहीं है।